तो हम लोग दोस्तों चीम्स यूज के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। सो गाइस वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो हनी 3.0 के पहले सॉन्ग नागन और योयो एंड एमिवे को एक साथ देखे हुए अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि हिप हॉप की राखी एंड म्यूजिक इंडस्ट्री के सुनियों ने अपनी गांड मरवानी शुरू कर दी। पहले तो इस भोसड़ी वाले ने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे अपनी गांड मरवाई, लेकिन जैसे इसको मूड स्विंग्स हुए, कल रात ये रोड की पैदाइश सुनियों यूट्यूब पे भी अपनी गांड मरवाने आ गया। इसको आप लोग थ्रीसम भी बोल सकते हो, क्योंकि इस बार इसने अकेले नहीं बल्कि दो भाड़ों के टट्टो डैंक रिशु एंड जयेश को अपनी लाइव स्ट्रीम पे बुलाया और अपने पापा यानी योयो हनी सिंह एंड हनी 3.0 के बारे में काफी सारी बकवास चीजें बोली, ताकि ये हनी 3.0 के अगेंस्ट सारे के सारे लोगों को मैनिपुलेट कर सके। इस पूरी लाइव में इन तीनों चूतियों ने बस हनी सिंह और हनी 3.0 के बारे में ही बात की थी। मतलब एक पूरा लाइव सिर्फ और सिर्फ योयो हनी सिंह का मजाक उड़ाने के लिए इन तीनों ने मिलकर किया था, जो कि इस रोड की पैदाइश सुनियों ने प्री प्लान्ड की थी। इसके पीछे का रीजन इसकी गांड चलने के अलावा एक और भी था, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं इस चूतिया से पूछना चाहता हूं कि ये 2014 से योयो हनी सिंह का नाम लेके अपनी माँ बहन का पेट भर रहा है, लेकिन आज 9-10 सालों के बाद भी इसकी गांड पता नहीं क्या खुजली मची है, जो ये फिर से योयो हनी सिंह का नाम लेके हाइप ले रहा है। इस भड़वे सुनियों और इसके दो भाड़ों के टट्टों ने जो कुछ भी बोला है उसको मैं एक वक्त पे मजाक में भी ले लूं, लेकिन इन तीनों ने मिलके योयो हनी सिंह के डिप्रेशन को भी नहीं छोड़ा और उस चीज पे भी जोक बना दिया। किसी को तुम में से किसी को डिप्रेशन एंग्जायटी तो नहीं है ना? ये सब वापस बैठ जाते हैं, शराब पी लो सब ठीक हो जाएगा। ये सब बेकार की चीजें होती है, कुछ होता थोड़ी है। थोड़ी होता है, थोड़ी होता है, मुठभाई थोड़ी होता है। वो बड़ा डार्क फेस था, मैं बात नहीं करना चाहूंगा। जब मैं 7 साल बाइपोलर डिसऑर्डर और साइकोटिक सिम्टम्स में घर पर रहा हूँ 5.5 साल, तो वो बहुत मतलब मैं तो एक वक्त पे मौत से इतना डर के भी फिर में चला गया था। मैं फिर सिम्टम्स आते रहे बहुत ज्यादा, इस लाइट से भी डर लग रहा है, इस झूमर से भी डर लग रहा है। मतलब कोई बंदा आखिर इतना नीचे कैसे गिर सकता है, वो भी किसी की बीमारी पे इतना घटिया मजाक करके। इस चूतिये को कोई बताए कि बीमारी किसी भी बंदे को हो सकती है, ये चीज मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर ऐसी ही बीमारी इसकी माँ या फिर इसके परिवार में किसी को होती तो क्या ये चूतिया तब भी ऐसा ही मजाक करता? तुम बात करते हो मैच्योरिटी की, ये रोड की पैदाइश सुनियों की एज अभी 30 से भी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन इसका दिमाग अभी भी 10 साल के बच्चे से भी कम है। तूने डिप्रेशन के बारे में बात करी है ना, जिन फैमिलीज में डिप्रेशन है उन्हें पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन। तू डिप्रेशन पेशेंट्स का मजाक उड़ाएगा गांडू? बहन तेरे को पूछता कौन है, साल में तेरे 2 गाने आए। पहले तूने एमिवे बंटा से जूते खाए कैसे? कि एक बंदा 3 लाख सब्सक्राइबर्स पे था, उसने इसको कोई डिस कर दिया, तब बड़प्पन में आके एक शेख चिली करके गाना बनाते हैं ये। वो रिप्लाई के बाद क्या होता है, 4 साल हो गए उस चीज को, 3 या 4 साल में ये बेचारा 3 मिलियन से 4 मिलियन पे नहीं पहुंच पाया। जली कहां पे, मैं तुम्हें बताता हूं, जली यहां पे। इस चोर के 3 से 4 मिलियन नहीं पूरे हुए, वो बंदा 3 लाख सब्सक्राइबर से उस टाइम से अब तक 18-19 मिलियन पे बैठा है। मतलब जिस चीज के ऊपर इसने 9-10 सालों पहले हनी सिंह का नाम लेके अपना करियर की शुरुआत की थी, आज उसी बात को ये चूतिया एक बार फिर से एक लाइव में आके उठा रहा है, क्योंकि इसकी एक वेब सीरीज आने वाली है जिसका प्रमोशन इसको करना था। इसीलिए इस चूतिया ने योयो हनी सिंह के खिलाफ 10 साल बाद वही पुरानी चीजें उठाने का प्लान बनाया, दो भाड़ों के टट्टों को लाइव पे भी बुलाया। इन तीनों ने सोचा कि पब्लिक तो एकदम गवार है, हनी 3.0 का जम के मजाक उड़ाते हैं, एल्बम फ्लॉप हो जाएगी और अपना करियर बचा रहेगा। लेकिन इन तीनों ही चूतियों को कमेंट सेक्शन में इतनी सारी गालियां पड़ी हैं कि इनको शायद कल रात नींद भी नहीं आई होगी। वैसे तो इन भड़वों ने ये वीडियो प्राइवेट कर दी है, लेकिन इन तीनों की इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको दे रहा हूँ। अभी के अभी जाओ और इनकी पोस्ट पे इनके डीएम में जितनी भी गाली दे सकते हो जाके दो, क्योंकि याद रखना इन तीनों चुतियों ने योयो हनी सिंह की डिप्रेशन का मजाक उड़ाया है। तो अभी के अभी जाओ अपना काम शुरू कर दो। रफ्तार हुआ ये रफ्तार, रापस को टोपा पहनाने का संस्कार बनता।